वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपने लुक्स, लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। इसके साथ ही एक्टर्स की फीस भी इनके फैंस में चर्चा का कारण बनी रहती है। अक्सर ही लोग एक्टर्स के फीस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। समय के साथ साथ इन स्टार्स की फीस इतनी हो गई है कि लोगों के लिए हैरानी का सबब बन गई है। बॉलीवुड अधिकतर स्टार्स की फीस अब करोड़ों में है। हालांकि इस समय ही नहीं बल्कि 90 के दशक के भी कुछ ऐसे स्टार्स थे जिनकी फीस करोड़ों में होती थी, जिनमें शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन, सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे स्टार शामिल हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन की बात करें तो बता दें कि अमिताभ बच्चन 90 के दशक के बॉलीवुड पर राज करते थे। बॉलीवुड के शहंशाह ने सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। एक्टर 90s के सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाले एक्टर में शुमार थे। खुदा गवाह के लिए एक्टर ने 3 करोड़ फीस ली थी। तो वहीं हम अजय देवगन की बात करें तो फूल और कांटे से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले अजय देवगन भी 90 के उन एक्टर्स में शुमार थे जो एक एक फिल्म के लिए मोटी रकम वसूलते थे। एक्टर एक फिल्म के लिए 70 लाख फीस वसूलते थे। हालांकि शुरुआत में तो अजय इतने सफल नहीं रहे, लेकिन फूल और कांटे के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा होता रहा और अजय देवगन आज के सबसे सफल एक्टर में से एक है। इसके अलावा किंग खान की बात करें तो बता दें बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी शाहरुख खान इन दिनों ही नहीं बल्कि 90 के दशक के भी सुपरस्टार थे। एक्टर ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी और बड़ी हिट के साथ उनकी फीस में भी लगातार इजाफा होता रहा। वैसे तो इन दिनों एक्टर एक फिल्म के करोड़ों वसूलते हैं, लेकिन 90 में भी उनकी फीस 30 से 40 लाख के बीच होती थी। खैर, इस तरह से कई ऐसे एक्टर हैं जो 90 के दशक में खूब फीस लेते थे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।